मुझे पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोग इस प्रकार की अवस्था से गुजरे होंगे, जब आपके मन में अचानक कोई बात आई होगी और वह सच हो गई होगी। ये आपने नहीं चाहा होगा कि कोई कुछ करे पर उसने ठीक वैसा ही किया होगा। हम ये सोचकर हैरान होते हैं कि हमने पहले ही यकीन था कि हमारे साथ ऐसा होगा, जैसा कि हो जाता है। लेकिन इसका जवाब बहुत आसान भी हो जाता है और बहुत अधिक पेचीदा भी। सरल इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका संबंध हमारे मन से है, और पेचीदा इसलिए क्योंकि इसका संबंध उन सभी बातों से है जिनसे हमारा मन ज्ञान पाता है और वो हमारे रोजमर्रा की सभी चीज़ों के प्रति आकर्षित करता है। यदि आप अपने मन को अपना स्वामी बना सकते हैं तो अपने जीवन को भी अपना स्वामी बना सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने भी कहा, मन ही है सब कुछ, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। लगभग हर किसी को अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे हालात का सामना करना ही पड़ता है। ये इतने आम हो गए हैं कि लोग इनके घटने पर इतने आश्चर्यजनक भी नहीं होते। ऐसी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन का अंग बन गई है। हमने इतने सहज भाव से अपना लिया है कि हमें से कितने लोग पलट कर पूछते होंगे ऐसे बातें क्यों होती है। हमें से अधिकतर लोग इन बातों को संयोग या बुरी किस्मत कहकर टाल देते हैं और इनके बारे में गहराई से विचार तक नहीं करते। परंतु क्या संयोग मात्र है या इन्हें अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन में न्योता दिया है। सबसे शक्तिशाली जगत में आपका स्वागत है, वह आपका मन है। एक बस दुर्घटना में एक वर्ष का बच्चा करिश्माई तरीके से बच गया और बाकी सभी मारे गए। जिस मरीज के 30 दिन तक भी जीने की आस नहीं थी, वही ठीक होकर आने वाले 30 साल तक जीवित रहा। आपकी परीक्षा सिर्फ या भी एक तिहाई पढ़ाई पूरी की हो और आपके प्रश्न उसी हिसाब से आ जाते हैं जिसमें से आपकी सारी तैयारी की है। ऐसी कई दुर्घटनाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती रहती है और विज्ञान और वैज्ञानिकों के पास भी इनकी कोई व्याख्या नहीं है। क्या ये चमत्कार नहीं है? चमत्कार घटते हैं वह उनके लिए घटते हैं जो केंद्रित, उत्साहित, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर और हमेशा अपने बेहतरीन योगदान देते हुए बड़ी सोच रखते हैं। मैं तो कहूँगा कि चमत्कार किसी असंभव चीज़ को संभव बना देता है। मेरे लिए चमत्कार एक ऐसा सपना है जिसके लिए आप कोई काम नहीं करते और फिर भी वह किसी जादू की तरह आपके लिए साकार हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि ईश्वर ने हम सबको जादू रचने की क्षमता दी है। भले ही ये बात उस व्यक्ति को विचित्र लग सकती है जो जादू को नहीं समझता, परंतु अगर आप यह बात जादूगर से कहें तो वह जानता है कि यह सब कैसे काम करता है और इसका एक सटीक तर्क भी है। सावधानी से किया गया नियोजन, उचित समय और एक जायज वैज्ञानिक व्याख्या। बदकिस्मती से हमें से अधिकतर अपने जीवन के जादू को रचने के बजाय उसके मुख्य दर्शन ही बनकर रह जाते हैं। इसे पढ़े ताकि हम उन तालों को तोड़ सके जो हमने स्वयं ही अपने मन पर लगा रखे हैं। बस एक जादुई शब्द बोलना है, नहीं ये आबरा का डाबरा नहीं है, आपको कहना है तथास्तु। परंतु तथास्तु कौन कहता है? हमारी सारी इच्छाओं को कौन पूरा करता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सदा है, इसका रहस्य हमारे मन में छिपा है। अपने महान संत और मुनियों के बारे में सुना होगा जो आग और पानी पर चल सकते थे। हिमालय की अंधेरी और सुनसान राहों में आज भी उन संतों को वास है जो अपनी भूख और प्यास को अपने बस में रखकर दशकों से वहां तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने मृत्यु को भी पछाड़ दिया है। इसके बाद ऐसे व्यक्ति के प्रसंग आते हैं जो अपने दांतों से जंजीर खींचते थे, अपनी छाती पर गाड़ी चढ़वाकर अपनी श्वास रोक लेते थे और अपनी आंखों से लोहे की सलाखें तोड़ देते हैं। पहले पहल विज्ञान इन बातों को नकार देता था, परंतु अब विज्ञान इन्हें मानता है और इन्हें वैज्ञानिक परमाणुओं के साथ अपना समर्थन देता है। क्वांटम फिजिक्स में मन की अपूर्ण शक्ति के बारे में पता लगाया जाता है और इन दिनों है बहुत प्रगति कर रहा है। बहुत के हमें कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड एक विशाल चुंबक है जिसमें एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। हम चुंबकीय शरीरों के पावर हाउस हैं। हम जो भी कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, सपना देखते हैं, इच्छा रखते हैं, वह एक चुंबकीय बल के साथ हमें यूनिवर्स के चुंबकीय वेल्थलेस से जोड़ देता है। यह चुंबकीय बल सिग्नल रखता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो भले ही हमें दिखाई ना दे परंतु इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं। ये अदृश्य रूप में अपनी उपस्थिति रखते हैं। हम वातावरण में सततताओं को मुक्त करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम्मिलित ऊर्जा से मिलकर हमारी सोच को साकार रूप देती है। इस तरह अच्छी सोच के सिग्नल अच्छी वेल्थलेस से मिलेंगे और बुरी सोच के सिग्नल यूनिवर्स में बुरी वेल्थलेस से जाकर मिलेंगे। फिर वह उसी के अनुसार हमारी सोच को पूरा करेंगे। हमारे यूनिवर्स का चुंबकीय बल आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। प्रसन्नता, धन और सेहत कुछ भी, यह यूनिवर्स का सहज नियम है। यह आकर्षण का नियम है। जब हम सो रहे हों इसके लिए सचेत न हो, आकर्षण का नियम तब भी पूरे बल के साथ काम करता है। मेरी शक्तिशाली वर्कशॉप में से इग्नाइट या संपर्क के माध्यम से मैंने यथासंभव लोगों तक पहुंचना, उन्हें आकर्षण का नियम, मन की शक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया है जिससे नियम काम करता है। हमने इस नियम को लागू करने के सभी चरण प्रस्तुत किया है और इसी नियम के वैज्ञानिक व्याख्या भी दी गई है। यह पुस्तक आपको अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति आपके मन को जानने में मदद करेगी ताकि आप इस भरपूर क्षमता का प्रयोग कर सकें। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे असफलता की गुंजाइश ना हो। मुझे असफल होने से भय लगता था। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज में भी मैंने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। मैं हमेशा अपने लिए आसान रास्ता खोजते रहा। आज जब मुड़ कर देखता हूँ तो मैं एहसास होता है कि अगर मैं हमेशा के लिए अपने आसान रास्ता खोजता रहता तो शायद मैं आप ही अपने अस्तित्व की हत्या का दोषी पाया होता। कुछ ऐसे काम थे जो मैं करना चाहता था, पर जब भी कुछ करने लगता था उसमें असफल हो जाता।